खून का सौदा चेहरा छुपा कर करोगे क्या? What a teleportation! बहुत impressive gadget है ये तो बिरबा। एक सेकंड में मुझे वहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। Amazing! मतलब उन लोगों को मेरी असली पहचान पता चल चुकी होगी। ऑफ कोर्स देबू ही बालवीर है, इसीलिए तो वो हमेशा इस विवान के साथ सैटेलाइट की तरह चिपका हुआ रहता था। अगर हमें पहले ही पता चल जाता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। बीती बातों पर आंसू बहा के वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि छोटा बालवीर हमारे कब्जे में और बड़ा वाला खुद अपनी गर्दन हमें तोहफे में दे रहा है। आ अब हमारा अगला कदम क्या होगा बंबाल श्री? तोहफा कबूल करना बिरबा, और क्या। लेकिन इस बार हम बड़े बालवीर से मिलने धरती पर नहीं जाएंगे, हम उसे अपनी दुनिया में बुलाएंगे। समझ गई ना बिरबा? जी हाँ बंबाल श्री। रुको, देबू उर्फ बालवीर, तुम्हारे समझ में तो आ ही गया होगा कि हर ऊंट को एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। बड़ा सौदा करने के लिए जिगर भी बड़ा चाहिए बालवीर, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें विवान सही सलामत चाहिए तो अगले एक घंटे में शिंकाई पहुंच जाओ, वरना विवान के टुकड़े तुम्हें मछलियों के पेट में मिलेंगे। का मतलब विवान को शिंकाई के ही लोगों ने किडनैप किया है। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास बालवीर, एक एक पल की देरी तुम्हारे विवान पर भारी पड़ेगी, इसलिए एक घंटे के अंदर शिंकाई पहुंच जाओ। माफ करना, लेकिन शिंकाई आने तक का रास्ता क्या आज के अखबार में छपा है जो एक घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर, शिंकाई तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें आज के अखबार में ही मिलेगा। क्या? घर जाओ तो तुम्हें इस क्या का जवाब मिल जाएगा। लेकिन रे, तुम जानते हो ना अब तुम्हें क्या करना है? आई नो। मुझे पता नहीं होता कि कब क्या करना है।
शंकाई पहुंचने के लिए ये रसायन पीना होगा, उसके बाद तुम्हें रास्ता भी पता चल जाएगा और तुम पानी के अंदर सांस भी ले पाओगे। उठ बेटा, कितनी देर तक सोता रहेगा आज? विवान, विवान, विवान कहाँ चला गया? अब विवान क्या हुआ माँ? विवान कहाँ है? विवान कहाँ गया है? विवान वो भारत नगर के पास वाले पार्क में गया है। पार्क में गया है क्या? हाँ। बाहर इतनी बीमारी फैल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है और ये पार्क चला गया? वो फ्रेश एयर लेने गया है, ताजी हवा लेने गया है पार्क में। अब ताजी ताजी डांट खाएगा ये। मुझसे बिना पूछे कैसे चला गया? मैं अभी जाके उसको लेकर आऊं। मामा, लेकिन माँ आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अभी अभी आ जाएगा। बोलो नहीं, सुनो, कभी बोलते हो अभी गया है, कभी बोलते हो अभी आ जाएगा, क्या चल रहा है देवू? माँ वो उसने ही मुझे फोन करके बताया ना कि वो आधे रास्ते में है, पार्क जा रहा है। मैंने भी आपने जैसे मुझे पूछा, मैंने उसे पूछा था क्यों गया है, कब आएगा, कहाँ गया है, मैंने भी उस पर गुस्सा किया था। तो उसने क्या बोला? सॉरी, उसने सॉरी बोला और उससे ये भी बोला कि अब वो खुद अपना कान खींचकर घर वापस आ रहा है, आ जाएगा। अच्छा किया तुमने, वैसे भी वो बहुत बदमाशी करने लग गया है। हाँ। डांटना जरूरी है उसे। लेकिन देवू क्या हुआ माँ? अखबार तो देखते जाओ। नहीं। अरे क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा पेपर नहीं है, ये गिरपड़े जी का पेपर है। वो गलती से न्यूज़पेपर वाले ने यहाँ फेंक दिया होगा। नाम थोड़ी लिखा है न्यूज़पेपर पे, सारी न्यूज़ एक जैसी होती है ना। लेकिन माँ इस पेपर में जो क्रॉसवर्ड पजल आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन देवू मुझे न्यूज़ पढ़नी है। मुझे पजल सॉल्व करना है माँ, प्लीज। अच्छा बाबा, ले जाओ अपना क्रॉसवर्ड वाला न्यूज़पेपर। बुद्धू, अरे ये क्या कर रहे हो देवू? माँ बस आशीर्वाद दीजिए कि अपने भाई को सुरक्षित वापस ला सकूं। अचानक पैर क्यों छू रहे हो देवू? माँ मैं वो अब भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए और माँ के पैर छूने के लिए थोड़ी ना कोई वजह चाहिए होती है। हमेशा खुश रहो। शिंकाई जाने से पहले मुझे कुछ करना होगा। डुबा, तुम्हें जल्द से जल्द धरती लोक पर विमान का रूप लेकर जाना होगा। हा? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब क्यों नहीं बालवीर, जरूर नीचे जाकर करुणा माँ के लड्डू खाने मिलेंगे। ये सोचकर तो खुशी के मारे मेरा दिल तपड़ तपड़ कर रहा है। तपड़ 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 तपड़। जल्दी जल्दी सब मुझे विमान बना दो बालवीर। अरे डुबा, क्या हुआ, तुम ठीक क्यों रहे? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं बालवीर। वो क्या है ना, आज मैंने तरुण फल कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए बाकी कुछ करो, जादू करो। ठीक है ना? डुबा, मेरे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? दोबारा कोशिश करके देखो। अरे ये क्या, मेरा रूप क्यों नहीं बदल रहा बालवीर? हो सकता है ये तरुण फल खाने का असर है। डुबा, अब कुछ देर के लिए तुम विवाह नहीं बन पाओगे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया, फल खाने की इतनी बड़ी सजा, एक तो लड्डू छूट गए, ऊपर से जुकाम भी हो गया। अब अगर डुबा विवाह नहीं बन सकता तो मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा। अनु अनु अनु, अरे अनन्या, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे अनन्या सुनो, मेरी बात सुनने दे रही है? अरे अनन्या, मैं यहाँ पे टेंशन से ब्रेथलेस हो रहा हूँ और तुम यहाँ पे इन्हें लेग्सल की एक्सरसाइज कर रही हो।
अरे अनन्या, समाधि में बैठ गई क्या? आंखें खोलो। क्या है डब्बू, देख नहीं रहा तुम्हें कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ? 108 बार मुझे सांस लेने की एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? अरे विवान, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे मधुमक्खी। मधुमक्खी? हाँ, वो एक्चुअली विवान सुबह सुबह नेशनल पार्क गया था टहलने के लिए, लेकिन वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया और इसलिए वो एकदम पकौड़े की तरह सूज गया है। Oh my God. हाँ, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं विवान को डॉक्टर के पास छोड़ कर आया हूँ। वो एक दो घंटे में डॉक्टर उसे दवाई देंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना पड़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि माँ को पता नहीं है ना, विवान माँ को बताए बिना यहाँ नेशनल पार्क गया था और वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया। ऊपर से पता चलेगा कि विवान डॉक्टर के वहाँ, तो उनका बीपी और हाई हो जाएगा। करना आंटी तो टेंशन भी इतनी लेती है। हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए विवान के वापस आने तक तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना होगा। ओके? हाँ ठीक है, मैं आंटी से बात कर लूंगी, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अनु, तुम मेरी आंखों में देखा, क्या इनमें तुम्हें सच्चाई नहीं दिखती? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी आंटी से बात, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी नहीं चाहती कि विवान को डांट पड़े, तो डोंट वरी। थैंक यू अनु। ये विवान भी ना हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है। मिस्टर बी, डू यू थिंक हम यहाँ शिंकाई के पैलेस में सेफ है? जलराज कैकोस कुछ समय के लिए शिंकाई से बाहर है और उनकी गैर हाजिरी में यहां का कर्ता धर्ता मैं हूं, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कितना सुकून मिलता है मुझे यहां। बिरबा, तुमने बालवीर को राजमहल में आने के लिए ही बोला है ना? जी हाँ बांबालश्री, उस रसायन के असर से बालवीर पानी में सिर्फ आधे घंटे तक ही सांस ले पाएगा और इतना समय काफी होगा उसका खून निकालने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर उसने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो जूनियर बालवीर की लाइफ का बटन हमारे हाथ में है। पता नहीं शिंकाई वालों ने इस रसायन में क्या मिला है, लेकिन अगर मुझे विवान को बचाना है तो ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा।
बालवीर शिंकाई पहुंच चुका है। क्या तुम अपने हाथों से बालवीर का खून निकालना चाहोगे? One step at a time, my dear Birba. सही वक्त आने पर मैं बालवीर को अपना फेस भी दिखा दूंगा और अपनी आवाज भी सुना दूंगा। Till then, तुम ही हमारा फेस और हमारी आवाज। तो ठीक है, तब तक अपनी पहचान छुपाने के लिए ये पहन लो। बिरबा, अब कमान तुम्हारे हाथ में है, मुझे निराश मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी बामबाल श्री। जब तक कोई होशियारी नहीं करोगे, विवान बिल्कुल हिफाजत से रहेगा। बालवीर, शिंकाई की गहराइयों में मैं तुम्हारा दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूं। बालवीर, वाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और ये राजमहल भी काफी सुंदर है, और ये राज दरबार कितना शानदार है। वाह, पानी के अंदर शिंकाई नाम की इतनी खूबसूरत दुनिया होगी, किसने सोचा था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतनी खूबसूरत जगह पर रहती हैं, फिर भी तुम खुश और संतुष्ट क्यों नहीं हो? यही तो फर्क है बालवीर, अच्छाई और बुराई में। अच्छाई के सपने छोटे होते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बुराई की लालच बड़ी होती है, एकदम किसी अंधे कुएं जितनी गहरी। वाह, तारीफ और बेइज्जती एक साथ कर दी तुमने बालवीर। लेकिन अब मुद्दे की बात करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर सैर करने थोड़ी आया हूँ।
ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.